नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 चैप्टर 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए, ऑलरेडी हमने फ्रांस के क्रांति के बारे में पढ़ लिया है, जिसके दो पार्ट में वीडियोज आ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि सीरियल वाइज पढ़ने में आपको भी मजा आएगा और फिर समझने में भी मजा आएगा और फिर एग्जाम में भी मजा आएगा। देखिए, तीन तीन मजे आपको एक साथ मिल रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि सामाजिक परिवर्तन के युग से क्या समझते हैं, समाज में होने वाले परिवर्तन का जो युग था वो क्या था। तो देखिए, ये जो दौर था ये गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। यहाँ पे समाज में सारी चीजें बदल रही थी, आर्थिक बदलाव हो रहे थे, औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम, मतलब इससे जो दिक्कतें हुई, इससे क्या हुआ कि काम की लंबी अवधि, कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास में कमी, साफ सफाई की व्यवस्था ने लोगों को इस तरह पर सोचने पर विवश कर दिया। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई, इससे लोगों के काम छूट गए, उनको मजदूरी नहीं मिलता था, उनको भोजन नहीं मिलता था, उनको रहने के लिए घर नहीं प्राप्त हो पा रहा था। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में जो परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए, इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए तीन अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। देखिए, बहुत छोटी सी चीजों में बहुत बड़ी बातें लिखी हुई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्या हुआ। सबसे पहली क्रांति की शुरुआत फ्रांस से हुई थी, फ्रांस के अंदर ही सबसे पहली क्रांति हुई थी, इसलिए आपको फ्रांस की क्रांति को सबसे पहले मैंने पढ़ाया। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां के लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरह का मांग किया, जैसे कि डेमोक्रेटिक जनतंत्र बनाओ, यहाँ पे जनता के द्वारा शासन होगा, सबको समान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। तो ये जो विचारधारा थी, ये सिर्फ फ्रांस के अंदर ना रहकर अब फ्रांस के बाहर भी निकल चुकी थी। अब लोग इसे अपने आप में ढालने की सोच रहे थे, और पूरे सभी लोग तो एक जैसे होते नहीं है, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग तरह के विचारधाराओं के साथ पूरा जो जनता था, पूरे विश्व की जनता जो थी, वो इन तीन विचारधाराओं में बट गई। एक, दो, तीन। पहला था उदारवादी, दूसरा था रूढ़िवादी और तीसरा था परिवर्तनवादी। इन तीनों विचारधारा को हम सही तरीके से जान लेते हैं। पहला विचारधारा जो था वो था उदारवादी। तो किसे कहते हैं उदारवादी विचारधारा? उदारवादी एक ऐसा विचारधारा, विचारधारा मतलब ऐसा सोच है जिसमें सभी धर्मों को बराबर और सम्मान दिया जाता है। मतलब देखिए, बहुत ही अच्छा है ये। तो उदारवादी अगर ऐसा कर रहा है कि वो सभी धर्मों को बराबर मान रहा है, सम्मान दे रहा है, तो इससे यह विचारधारा क्या हो, सभी धर्मों को बराबर मान रहा है, हर जगह मिले हुए व्यक्ति मात्र के अधिकारों के रक्षा के पक्षधर थे। देखिए, ये जो उदारवादी लोग थे वो व्यक्ति के अधिकारों के पक्ष में बात करते थे, इसलिए इन्हें उदारवादी विचारधारा के लोग कहते हैं। देखिए, इनके मुख्य विचार के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे, इनका विचार क्या था, ये किस तरह से काम करते थे। अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, मतलब राजाओं के हाथ में जो सत्ता हुआ करता था उसके विरोध में बात करते थे। सही है, उदारवादी लोग अच्छे थे। सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को बराबर समझते थे और सभी को सम्मान देते थे, सभी का इज्जत करते थे। व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता समानता के अधिकार की बात करते थे। प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचन सरकार के पक्ष में थे, इनका कहना था कि विधायिका लाओ, कार्यपालिका लाओ, न्यायपालिका लाओ, व्यक्ति के द्वारा चुने गए सरकार को लाओ, ये उसके पक्ष में बात करते थे। कौन? उदारवादी लोग। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और थी, ये नहीं चाहते थे कि सभी को मत देने का अधिकार हो, मतलब वोट देने का अधिकार सबको, ये सिर्फ ये कहते थे जो पैसे वाले लोग हैं, जो संपत्ति धारक हैं, जो अमीर आदमी है, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो एक चीज इसके पक्ष में मैं नहीं उदारवादी के, बाकी सब चीज इनके अंदर सही था। तो ये उदारवादी विचारधारा। अब हम रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक ऐसी विचारधारा है, ऐसा सोच है जो पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर कार्य करता है। पारंपरिक मतलब जो हमारे दादाजी के दादाजी ने विचारधारा लाया था वही, जो हमारे दादाजी ने अपने परदादा से सीखा था वही, मतलब पुराने ख्याल। आज भी आपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी बोलती है ना,
हाँ जाओ घूमो पार्क से घूमो, लेकिन आपकी दादी कहेगी नहीं पार्क में नहीं, इतने लड़के रहते हैं, ऐसे कमेंट कोई करेगा। तो ये क्या है, ये पुरानी विचारधारा है। आज भी अगर आप दादी, अगर आपके गांव में रहती है और दादी के पास जाओ और बढ़िया से टी शर्ट और जींस पहन लो, कहेगी क्या पागलपन है, ये पहन के आ गई है, सलवार सूट पहनो। या फिर मैं अगर अपनी मम्मी की बात कर लूँ, मैं अपनी मम्मी की बात कर लेता, अगर मम्मी को मैं अभी क्या बोलूँ, मम्मी मेरी साड़ी पहन, मैं मम्मी को बोलूँ तू अभी साड़ी छोड़ दे और जींस और टी शर्ट पहन ले और जल्द दादी के पास, वो क्या कहेगी, अरे पागल हो गई है मेरी मम्मी के बारे में। ये रूढ़िवादी के मुख्य विचारधाराओं के बारे में दर्शाता है, जैसे कि पुरानी परंपरा, पुराने ख्यालातों को लेके चलने वाले लोगों को हम रूढ़िवादी। अब हम रूढ़िवादी के मुख्य विचार के बारे में जान लेते हैं कि इनका विचार कैसा था। तो ये कहते थे कि उदारवादी और परिवर्तनवादियों का विरोध करते थे। उदारवादी विचारधारा के लोग और परिवर्तनवादी विचारधारा के लोगों का हमेशा विरोध करने का काम किसका था, रूढ़िवादी लोगों का। अतीत का सम्मान करते थे, अपने इतिहास का सम्मान करते थे, अपने संस्कृति का सम्मान करते थे, अपने पुराने संस्कृति का सम्मान करते थे, और बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे चाहते थे। इनका कहना था इतनी जल्दी जल्दी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से चलो, कछुए की चाल में चलो, हमारी संस्कृति बची रहेगी। तो ये रूढ़िवादी का मुख्य विचारधारा था। अब हम बात कर लेते हैं परिवर्तनवादी के बारे में कि परिवर्तनवादी क्या था, परिवर्तनवादी से आप क्या समझते हैं। देखिए ये एक ऐसे विचारधारा के लोग थे जो क्रांतिकारी रूप से समाज और राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे, बहुत तेजी से बदलाव चाहते थे, चाहते थे कि रातों रात पूरी दुनिया पलट दो, पूरी दुनिया में परिवर्तन ला दो। ये थे परिवर्तनवादी, ये चाहते थे कि समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है ना तीव्र गति से। और इनका मुख्य विचारधारा क्या था, बहुमत आधारित सरकार के पक्ष में थे, मतलब जिसको जनता सबसे ज्यादा वोट देगी उसका सरकार है होना चाहिए, चलो बढ़िया है। बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों से प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध करते थे, ये भी सही है। जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, उनके पास अलग से अधिकार क्यों रहेगा, भारत के सब संविधान तो कहता है कि सभी को समान दो। ऐसे ही उस समय ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति और संपन्न और जमींदार लोगों के पास जो विशेषाधिकार है उसको खत्म, संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध, कोई भी एक व्यक्ति संपत्ति को जमा कर रहा हो उसका विरोध करते थे, और निजी संपत्ति का विरोध करते थे, प्राइवेट चीजों का विरोध करते थे। महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन किया था, सबसे पहले महिला मताधिकार आंदोलन कहाँ हुआ था याद होगा आपको, फ्रांस में हुआ था, महिलाओं ने अपने वोट और मत को देने के लिए आंदोलन किया था। तो ये उसका समर्थन करते थे, कौन, परिवर्तनवादी विचारधारा के लोग। इस तरह से आपने यहाँ पे उदारवादी समझ लिया, रूढ़िवादी समझ लिया और परिवर्तनवादी समझ लिया। अब हम आपको आगे बताते हैं कि समाजवादी विचारधारा क्या था। तो देखिए समाजवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी थे, मतलब प्राइवेट चीजों के विरोधी, और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है, मतलब समाज में सभी के लिए न्याय चाहते थे, सभी के लिए समानता चाहते थे, सभी को एक समान देखना चाहते थे, ये समाजवादी विचारधारा था। अब समाजवादियों के मुख्य विचारधारा के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो इनका है कि निजी संपत्ति का विरोध, प्राइवेट चीज नहीं रहेगी, एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारा धन दौलत नहीं रहेगा। सामूहिक समुदायों की रचना, मतलब कि सामूहिक समुदाय, मतलब ऐसा समुदाय जिसमें सभी लोगों को समान धर्म के आधार पर ना बांटा जाए, शक्ति के आधार पर ना बांटा जाए, पैसे के आधार पर ना बांटा जाए, मतलब सभी को समान माध्यम से रखा जाए। सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा, ऐसा काम जो सरकार कर रही है जो जिसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, जैसे कि हम एक कोई सड़क बना रहे हैं, अब सड़क पर हम बनाए तो हम ही थोड़ी ना चलेंगे, पूरा दुनिया चलेगा, इसे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे, फायदा होगा, ऐसे कामों में ये समर्थन देते थे। सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, इन्होंने कार्ल मार्क्स से कुछ सीखा था, कार्ल मार्क्स के बारे में आगे बताऊंगा। देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छे लोग थे, इनके बारे में आपको आगे बहुत पढ़ना है। इन्होंने कहा कि जितनी भी संपत्ति होगी ना वो कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, उस पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, पूरा समाज उसको काबू कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी समाजवादियों के मुख्य विचारधारा के रूप। अब हम बात कर लेते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो देखिए औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन आपका यहाँ पे VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए उद्योग के क्षेत्र में विकास हो रहा था, रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी, और तो आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में लगा दिया गया, सब काम में लगे रहते थे, काम के घंटे
बहुत लंबे होने लगे। जैसे आज आप देखते होंगे कि 8 घंटे का शिफ्ट होता है, तो वो 8 घंटे का नहीं, इसे 12 12 15 15 घंटे का शिफ्ट होने लगा। मजदूरी बहुत कम मिलती थी और इतने काम करने के बाद पैसे हाथ में कम आते थे। बेरोजगारी उस समय आम समस्या थी, हर जगह काम के बिना लोग घूम रहे थे, बेरोजगार थे। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास को साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। घर का साफ सफाई, गांव का साफ सफाई, ग्रामीण इलाकों का साफ सफाई बहुत ही मुश्किल से होता हो पा रहा। उदारवादी युग और रेडिकल दोनों इन समस्याओं के हल खोजने में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कैसे इस समस्या का समाधान निकले। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफी संपत्ति था, बड़े पैसे पैसे वाले लोग थे, बहुत धन था, बहुत संपत्ति था। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे, रेडिकल के यहाँ और उदारवादियों के यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे, क्योंकि इनके पास पैसे बहुत थे। और पैसे तो आपको पता है, होने के बाद आदमी का हार्ट बात ही बदल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप में समाजवाद का आना, कैसे यूरोप में समाजवाद आया। तो समाजवादी जो थे, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि निजी सिद्धि के विरोधी थे। वो नहीं कहते थे कि एक ही आदमी के पास बहुत सारा धन दौलत होना चाहिए, तो निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरे को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब होता है। विचार भी इनका सही था। इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास समाज में पैसे हैं, लेकिन वो पैसे गरीब पे काम तो आ ही नहीं रहा है, वो तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब लोगों को अपने यहाँ काम पे लगा रखा है, उससे काम करवा रहा है। तो उनका यही कहना था, उनका मानना था कि उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, ये जो लोग हैं वही पैसे को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए इनका कहना है, अगर संपत्ति किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण, तो सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और उसके आस पास 10 घर जो है वो बिल्कुल भोजन के बिना मर रहे, तो इस 10 करोड़ के सभी लोगों को बांट दो, या फिर कोई ऐसा इसमें काम करवाओ जिससे 10 लोग फायदा मिले इन्हीं के पैसे से। तो ये ऐसे विचारधारा के लोग थे। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत अलग किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। मतलब अगर शोषण से, गरीबी से दिक्कत हो रही है और उसे मुक्त पाना चाहते हैं, तो उन्हें खुद ही अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी, जिसे कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। कई देशों में आज कम्युनिस्ट की सरकार है, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग मानने वाले हैं, कार्ल मार्क्स से प्रेरित हैं, कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं पे चलते हैं। तो बात कर लेते हैं समाजवाद के लिए समर्थन, कौन कौन से लोगों के द्वारा समाजवाद के साथ समर्थन प्राप्त हुआ। तो देखिए, 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया। पूरे यूरोप में ये समाजवादी विचारधारा जो है वो फैल चुका था, और समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना लिया, एक ग्रुप भी बना लिया खुद से ही, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम करता। और उस ग्रुप का क्या नाम रखा, द्वितीय इंटरनेशनल। याद रखिएगा, एक नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए भी संगठन बनाया। जो मजदूर लोग थे, जो लेबर लोग थे, उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने के लिए भी नए नए संगठन का निर्माण शुरू कर दिया, और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू करे। जो फैक्ट्री में वो काम करते थे तो कहने लगे कि हम इतना इतना देर काम नहीं करेंगे भाई, 15 घंटे काम नहीं करेंगे, 16 घंटे काम नहीं करेंगे, और हमें भी मत देने का अधिकार दो, हम भी वोट करेंगे, हम भी सरकार चुनेंगे, अब ऐसे में तो हम मर जाएंगे। एक तो इतना काम करवाता है 16 16 घंटे, मजदूरी भी नहीं देता, बाल बच्चे का पेट नहीं चलता मेरा। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। किस पार्टी के नाम से? लेबर पार्टी के नाम से। और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन हो गया था। दोनों अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टियों का गठन शुरू हो गया जो मजदूरों ने बनाया था। आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होता है रूसी क्रांति। फ्रांस का तो बेड़ा गर्क जो होना था वो हो चुका है। अब ये आग लगते लगते कहां तक पहुंच गया? अब रूस तक पहुंच गया। फरवरी 1917 की बात है, राजशाही के पतन को लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जे कर लिए, जिसे हम रूसी क्रांति कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर राजा का नाम पूछा जाए तो जार निकोलस बताइएगा। रूसी क्रांति के दौरान, जैसे कि फ्रांस के क्रांति के दौरान लुई 16वां था, वैसे ही रूसी क्रांति के दौरान जार निकोलस का शासन था। 1917 में राजशाही का पतन हो गया था,
देखिए, रूसी साम्राज्य था 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। याद रखिएगा, जार निकोलस का शासन 1914 ईस्वी में रूस में था, लेकिन 1970 में राजशाही का पतन हो गया। उसके बाद उनके सीट पर समाजवादी लोग आए और कब्जा कर लिए। इसके बाद देखिए, मॉस्को के आसपास पड़ने वाले क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। रूस आज के जैसा रूस नहीं था, वो सोवियत संघ रूस था, जिसमें 12-13 देश उसके साथ थे, बहुत ही शक्तिशाली था। ये कुछ देशों के नाम है जो उस समय रूस के साम्राज्य के अंदर आते थे। तो ये आपका रूसी साम्राज्य था जो 1914 में आपको जार निकोलस के द्वारा शासित था। इस तरह से आपने देखा, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, क्लास 9। ये पार्ट 1 था, याद रखिएगा, चैप्टर बड़ा है इसलिए आपको मैं पार्ट बाय पार्ट समझा रहा हूँ। फ्रांसी क्रांति के दौरान भी मैंने पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में समझाया था, और इसे भी मैं आपको पूरे 2 पार्ट में समझाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और वीडियो देखने से बोर ना हो। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आप हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।